हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज इस टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो रिपीटेडली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और इससे क्वेश्चन बार बार आए हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ये 100% है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे तरह से कवर कर लेंगे तो एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने मिल जाएगा। और रिसेंटली जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे कि NTPC ग्रुप डी वगैरह में, इससे क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना है। तो इसमें हम लोग 25+ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उसको कवर करेंगे। और साथ ही मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो देखकर जो लोग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को कर रहे हैं उनके लिए सुविधा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इतिहास के 25+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार का जो अधिनियम था वो कब पारित हुआ। तो इसके ऑप्शंस हैं 1852, 1856, 1858 और 1860। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1858। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। तो 1896 में जो अधिवेशन हुआ था वो क्यों पॉपुलर है, विख्यात क्यों है। तो ऑप्शंस हैं, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, ऑप्शन बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, ऑप्शन सी पहली बार तिरंगा लहराया गया था, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है, लॉर्ड विलियम बेटिक को, सर चार्ल्स मेटकाफ को, सर लॉर्ड ऑकलैंड को, या लॉर्ड एलन बोरो को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर चार्ल मेटकाफ। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सर चार्ल मेटकाफ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कातर्ज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था। तो कातर्ज जो व्यवस्था था उसका उपयोग किसके द्वारा किया गया था। तो इसके ऑप्शन हैं, ए डच, बी फ्रांसीसी, सी अंग्रेज, या डी पुर्तगाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पुर्तगाली। पुर्तगालियों के द्वारा कातर्ज व्यवस्था का पहली बार उपयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, बी वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ऑप्शन सी इन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, और ऑप्शन डी उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। तो चलिए इसके इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है कि उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण जो ब्रह्मो समाज था उसकी स्थापना की थी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ए बंगाल विभाजन, बी जालियांवाला बाग हत्याकांड, सी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जालियांवाला बाग जो हुआ था उसके विरोध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्होंने जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको वापस कर दिया था, क्योंकि
मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और इसमें जो जनरल डायर थे उन्होंने जलियांवाला बाग में बहुत ज़्यादा खून खराबा करवाया था। एक ही द्वार था वहाँ से निकलने का, और वहाँ से घुसकर फायरिंग होने के कारण बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुस्लिम जो थे उन्होंने अलग मतदाता दल की मांग की थी, तो वो किस अधिवेशन में किए थे वो लोग, ठीक है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए कराची अधिवेशन 1913, बी बॉम्बे अधिवेशन 1915, सी लखनऊ अधिवेशन 1916, या डी कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन 1916। इसका सही आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916, ठीक है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो इसके ऑप्शन हैं, ए कोची, बी चिनसूरा, सी सूरत, डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए कोची। इसका सही आंसर है ए कोची। कोची में पहली बार यूरोपीय बस्ती की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? इसके ऑप्शंस हैं, ए हैदराबाद, बी बीजापुर, सी गोलकुंडा, या डी अहमदनगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी गोलकुंडा। गोलकुंडा में अंग्रेजों के लिए व्यापार का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सलबाई की जो संधि है उसके ऑप्शन हैं, ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और डी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? बक्सर की जो लड़ाई है, मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये 1764 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके द्वारा और किसके साथ लड़ा गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए मीर कासिम, सी सादत अली खान द्वितीय, सी अली वर्दी खान, और डी सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर कासिम के द्वारा बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ा गया था अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मेगना कार्ट किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मेगना कार्ट किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ए वुड्स डिस्पैच, बी सेडलर आयोग, सी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, और डी रेल आयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वुड्स डिस्पैच। ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन 13 का जो ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 13 के, वो हैं ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड डलहौजी, और डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो इसके ऑप्शन हैं, ए लॉर्ड मायो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डलहौजी, और डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? जो हंटर आयोग का गठन किया गया था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा क्यों किया गया था? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आतंकवाद द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, ऑप्शन बी भारत की शिक्षा सुधार के लिए, ऑप्शन सी उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी भारत में शिक्षा सुधार के लिए। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये तो एक बहाना था कि वे भारत में शिक्षा का सुधार करना चाहते थे, पर उनका जो वास्तविक उद्देश्य था वो अपने लिए जो कम शिक्षित जो उनके वेतनभोगी कर्मचारी होंगे उनकी नियुक्ति करना था, जैसे कि क्लर्क वगैरह की नियुक्ति के लिए वो शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे सुधारना चाहते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय टंकन प कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड मिंटो, ए बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे वीडियो हमेशा समय पर ला सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है। तो मराठा मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन से ए नाना फडणवीस, बी बालाजी विश्वनाथ, सी नारायण राव बाजीराव और डी संभाजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नाना फडणवीस। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए नाना फडणवीस इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन ए द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध, ऑप्शन बी तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध और ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता, पूना पैक्ट जो हुआ था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब झूठा है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था, ऑप्शन बी इसके तहत वंचित वर्ग से वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया था, ऑप्शन सी प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई और ऑप्शन डी इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पूना पैक्ट जो हुआ था वो किनके बीच हुआ था, यह समझौता जो है जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर, जिसे भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, महद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेडली इससे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखा गया है, तो इसे आप लोग हमेशा याद रखिए। तो इसके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी आचार्य विनोबा भावे और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। मतलब कि बॉम्बे में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पुर्तगालियों का न रहकर अंग्रेजों का हो गया था, तो ये किस वर्ष हुआ था। तो इसके ऑप्शन हैं 1663 ए, बी 1668, सी 1670 और डी 1689। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1668 इज राइट आंसर। ठीक है, तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पुस्तक के बारे में जो पिछले साल रेलवे के जो एग्ज़ाम हुए हैं ये क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें। ठीक है, तो गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ऑप्शन है ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी आर्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले और ऑप्शन डी दादू दयाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो मैंने कहा था कि जो नाइटहुड की उपाधि थी उन्होंने जालियांवाला बाग के जो हत्याकांड हुआ था जालियांवाला बाग में उसके विरोध में ये उपाधि लौटा दी थी। ये उपाधि उन्हें कब दी गई थी? तो ये उपाधि कब दी गई थी, इसके ऑप्शंस हैं ए 1910, बी 1915, सी 1920 और डी 1925। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1915, बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इसके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी जे बी कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जे बी कृपलानी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? तो इसका ऑप्शन है ए 1902, बी 1861, सी 1906 और डी 1910। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो इसके ऑप्शन हैं ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन और डी होम रूल आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हिस्ट्री से थे और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन थे ये। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।